आज हम जानेंगे अपने चैनल पे कि कटिंग टूल कितने टाइप के होते हैं, कटिंग टूल होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कटिंग टूल होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे 6 टाइप के। कटिंग टूल होता क्या आप जानिए। आप गए होंगे इंटेंसिव करने किसी कंपनी में, या आप अपने वर्कशॉप में गए होंगे तो लेथ मशीन रखी रहती है, तो वहां पे हमारा क्या रहता है कि हमारा कटिंग टूल लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ जैसे मान लीजिए जॉब है, ये चक में फंसा रहता है, जॉब है, जॉब मतलब कि प्रोडक्ट जिसको फिनिश सरफेस देना है, और यहाँ पे हमारा रहता है कटिंग टूल। कटिंग टूल को इसमें सटाते हैं हम, और जितना रिक्वायर शेप चाहिए, ये मान लीजिए कि ज्यादा डाय का है तो इसमें सटाते हैं हम, तो इसमें ये पतला होता है, डाय कम होता है, और हम इसको फिनिश सरफेस भी दे सकते हैं, इसमें हम थ्रेड भी बना सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कटिंग टूल इसमें होता क्या, इस प्रकार का है। 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेन हाई कार्बन टूल स्टील, जैसे कि मैंने फ्रेंड बताया प्लेन हाई कार्बन टूल स्टील में इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज में कार्बन ज्यादा मिला देंगे तो वो हार्ड हो जाता है, और जब हार्ड हो जाएगा तो वियर रेजिस्टेंस की मात्रा भी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि अगर कोई टूल ज्यादा हार्ड है तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, ना वियर होगा, ना टूटेगा, ना खराब होगा। मीन्स कि अगर जॉब कितना भी कठोर है, कितना भी अच्छा है, कितना भी टाई हार्डनेस है, तो हम अपना टूल लगाएंगे तो टूल वियर एंड टियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा है। कार्बन की मात्रा होती कितनी है? मैंगनीज में 3 मिलाते हैं केमिकल, ठीक है, कार्बन मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं और मैंगनीज मिलाते हैं। कार्बन की मात्रा होती है 0.8 से 3.4% तक, सबसे ज्यादा हमारी कार्बन रहती है। फिर आता है सिलिकॉन का बारी, 0.1 to 0.4% तक हम इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज मिलाते हैं 0.1 to 0.4% तक। देखिए फ्रेंड, ये जितने भी हैं हमारे कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज, इतने परसेंट मीन्स अनुपात, ठीक है, थोड़े 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 चीज मिला के, इतने परसेंट मिला के हम सबको कंपाइल करते हैं, फिर एक टूल को हम बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लेन हाई कार्बन टूल स्टील। आइए दूसरे पे आते हैं हम, जिसको कहते हैं हम लो एलॉय कार्बन टूल स्टील। जैसे कि फिर मैंने बताया सेकंड पे हम लोग आ गए, लो एलॉय कार्बन टूल स्टील, ठीक है। इसमें ये दूसरा नंबर का होता है हमारा, इसी तरह 6 है हमारे पास। पहला बता दिया हमने प्लेन के बारे में, दूसरा आ गया हमारा कि लो एलॉय कार्बन टूल स्टील है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जब हम टूल में हार्डनेस मिलाते हैं, मीन्स कार्बन मिलाते हैं, तो टूल हमारा हार्ड हो जाता है। लेकिन एक डिफिकल्टी आती है, मींस कि इसमें कमजोरी आती है कि जब हार्ड रहेगा मटेरियल तो ब्रिटल होगा, मींस कि टुकड़ों में, छोटे छोटे कण में टूट भी सकता है, ठीक है। तो इसमें ब्रिटल हो जाता है कंडीशन जब इसमें हार्डनेस बढ़ाते हैं, कार्बन ज्यादा मिलाते हैं, तो इस चीज को दूर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, क्रोमियम एंड मेरिडियम मिलाते हैं। इसी कारण क्या होता है हमारा कि जो टूल है वो हार्ड तो हो ही गया कार्बन मिलाने से, लेकिन वियर एंड टियर के डर से, मतलब ज्यादा ना टूटे तो उसमें ब्रिटल ना हो, इस कारण से हम इसमें क्रोमियम एंड मेरिडियम मिलाते हैं, समझ गए फ्रेंड। दूसरा बात में इसमें क्या मिलाते हैं, 4% हम इसमें टंगस्टन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं फ्रेंड, आप भी समझ सोच रहे हैं क्यों मिलाते हैं भाई सब 4% टंगस्टन, 4% टंगस्टन मिलाते हैं कि इसकी वियर रेजिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए। जैसे कि आपने कार्बन मिलाया किसी भी टूल में तो वो हार्ड हो गया, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी आ गई वियर एंड टियर का, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हमने क्या करते हैं कि आप क्रोमियम एंड मेलिडिनियम मिलाते हैं, क्योंकि टूल हार्ड हो गया, ब्रिटल नहीं होगा, ठीक है, ब्रिटल नहीं होएगा। और वियर एंड टियर से बचाव के लिए हम टंगस्टन इसे मिलाते हैं, 4% टंगस्टन, ठीक है। तीसरा आ जाइए फ्रेंड हमारा, सबसे मेन कॉमनली जो होता है HSS, हाई स्पीड स्टील होता है HSS। ये कॉमनली होता है, कहीं भी आप जाइएगा लेथ में, वर्कशॉप में, आप इंटेंसिव जहां करने जाएंगे वहां कहीं भी देखिएगा, आप आंख मूंद के बोल दीजिएगा कि जो टूल है ये HSS का है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यही होता है, और सबसे हल्का, देखिए दो से, तो अभी मैंने दो को बताया है, ये दो से हल्का अच्छा रहता है और हल्का चीक में मिलता है। आइए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, इसमें होता क्या क्या है। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है ना कि इसको हार्डनेस इसमें होती है, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसमें हम टंगस्टन मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, वैनेडियम मिलाते हैं, ठीक है। टंगस्टन जैसे मैंने बताया पहले भी, टंगस्टन मिलाते हैं वियर टियर से बचने के लिए, तो इसमें हार्डनेस है तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम टंगस्टन, क्रोमियम एंड वैनेडियम मिला रहे हैं। कितने कितने परसेंट मिला रहे हैं फ्रेंड, तो हम सबसे ज्यादा इसमें मिला रहे हैं जिसमें टंगस्टन 18%, मींस ये बहुत बड़ी मात्रा होती है फ्रेंड, 18% मिला रहे हैं, क्रोमियम 4% मिला रहे हैं एंड वैनेडियम हम 1% मिला रहे हैं फ्रेंड, समझ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि सारों को एक साथ, टंगस्टन, वैनेडियम एंड क्रोमियम को, इसको सबको एक साथ अनुपात को पाउडर में, पाउडर के रूप में हम ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं कि एक ढांचे में, जिस शेप में हमको टूल बनाना है, ठीक है, उस शेप में रखते हैं, और इसको हम कितना 540 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको करते हैं,
इसी कारण क्या होता है कि ये इसमें क्षमता आ जाती है कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट, ये जॉब हमारा, ये टूल है, ठीक है, इस टूल को हम इसमें करते हैं तो टूल ना वियर होगा ना टियर होगा और ना इसमें से आपके गर्म धुआं निकलने लग जाएगा, क्योंकि हम जब नॉर्मली जो टूल होता है हमको बार बार हटाना पड़ता है। तो ये कब तक हम नहीं करेंगे, मीन्स की जब हम इसे सटाएंगे तो ये कब तक नहीं इसको पीछे हम कर सकते हैं, कूलेंट नहीं डालेंगे। 540 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी क्षमता होती है टूल की सहने की, कि आप रगड़ने से, आपको पता है ऐसे रगड़ने से गर्मी हीट प्रोड्यूस होता है, तो जब ये जॉब में, जॉब तो कंटिन्यूसली घूम रहा है, हम यहाँ पे टूल देते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो 540 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक का टूल को क्षमता हो जाती है सहने की, ठीक है फ्रेंड। देन आप इसमें क्या करते हैं कि आप हमेशा सुने होंगे HSC के बारे में, कॉमनली 18-4-1 मीन्स 18-14-1, ठीक है, ये एक तरह का टूल HSC का एक टाइप है। इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। 18 पार्ट जो होता है हमारा, ये टंगस्टन को कंटेन करता है, ठीक है, ये जो टूल है 18 पार्ट हमारा टंगस्टन को कंटेन करता है। 4 पार्ट जो होता है क्रोमियम को करता है कंटेन, और एक पार्ट जो होता है हमारा ये वेनेडियम को कंटेन करता है। क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में कि 18-4-1 क्या है, ठीक है, 18 का मतलब यही होता है फ्रेंड हमारा कि इसमें टंगस्टन की मात्रा मिली रहती है, 4 का मतलब होता है क्रोमियम एंड 1 का मतलब होता है हमारा वेनेडियम, फ्रेंड समझ गए। अब आइए सेकंड पे, ओके फ्रेंड, अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथा नंबर हमारा है सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या होता है हमारा टाइटेनियम और इसमें क्या रहता है मिला टंगस्टन मिलाते हैं। इसका क्या होता है कि इन दोनों का पाउडर मिलाते हैं और एक हाई टेम्परेचर पे हम इसको शेप देते हैं टूल को, जिसके कारण इसमें बहुत एक्सटेंसिवली हार्ड हो जाता है ये टूल हमारा। और इसमें क्या होता है फ्रेंड हमारा कि ये 200 से 500% गुना HSS के मुकाबले गर्मी सह सकता है। मीन्स कि HSS का तो आपको मैंने बताया था कि 500-600 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, और इसमें क्या है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड में कि ये इसमें टंगस्टन और हमारा टाइटेनियम के पाउडर को मिला के गर्म टेम्परेचर पे इसको हम ऊपर सेव देते हैं, तो इसमें क्षमता आ जाती है कि 200 से 500 गुना ज्यादा टेम्परेचर HSS के मुकाबले ही सह सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब आप बोलेंगे कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये तो ज्यादा हार्ड हो गया, तो फ्रेंड जितना हार्ड रहेगा उतना पैसा भी तो लगेगा। कंपनी पागल है क्या कि हर एक छोटा सा टूल के लिए बार बार देते रहे, जिसमें आपको काम में कम में काम चल जा रहा है तो हम क्यों इसमें देंगे। उसके बाद फ्रेंड आता है सेरेमिक, और उसके बाद नेक्स्ट आता है डायमंड, डायमंड लास्ट है हमारा, सेरेमिक उससे पहले है। 5वां नंबर पर हमारा सेरेमिक है। इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बोरोन नाइट्राइड के पाउडर के साथ मिलाते हैं और इसको शेप देने के लिए हम इसको 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, समझ रहे हो फ्रेंड। बोरोन और अल्यूमिनियम को हम मिलाते हैं पाउडर को, दोनों को पाउडर लिए मिलाएं और उसको शेप दे रहे हैं कितना, 1700 डिग्री सेल्सियस पे, समझ रहे हो फ्रेंड कितना ज्यादा इसमें हार्डनेस आ जाता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि वेरी हार्ड होता है और गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मींस कि हार्ड तो हो गया और इसमें कंप्रेशन झेलने की भी क्षमता हो जाती है, समझ रहे हैं, कंप्रेशन झेलने की भी क्षमता इसमें इंक्रीज हो जाती है। और इसमें इसका सबसे फायदा यही है कंपनी में कि इसमें कूलेंट देने की वजह से कि हम इसको सटा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो ये गल सकता है, बिल्ट अप एज हो सकता है। बिल्ट अप एज आप मेरे पुराने वाले वीडियो में जाके देखिएगा कि चिप कंटिन्यूसली चिप, डिसकंटिन्यू चिप एंड बिल्ट अप एज क्यों होता है। जब इसमें टकराता है हमारा तो जब चिप निकलती है तो टेम्परेचर के कारण चिप को चिपक जाती, मेल्ट होकर हमारे टूल पर चिपक, उसी को बिल्ट अप एज कहते हैं। तो इसमें हमारी क्षमता कुछ ज्यादा रहती है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण हमारा इसमें बिल्ट अप एज होता ही नहीं है, एकदम ना के बराबर होता है। और ये क्या होता है, गुड कटिंग होती है, इसके इफिशियंट कटिंग होती है, गुड कटिंग होती है, लेस बिल्ट अप एज होता है। और इसमें पावर जो होता है क्या हम करते हैं, मींस कि इसमें पावर लेस लगती है, कंज्यूम पावर लेस होता है। अब हम आते हैं डायमंड पे। डायमंड फ्रेंड आपको सबको पता है कि डायमंड मेनली होता है कार इसमें ग्लास को कटिंग करने के लिए। नहीं फ्रेंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि डायमंड सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा हार्ड होता है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, हार्ड होता है, लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक्सट्रीमली वियर रेजिस्टेंस होता है और गुड सरफेस फिनिश देता है। लेकिन फ्रेंड इसको हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सबसे महंगा होता है, सिर्फ पहनने के लिए अच्छा होता है, शीशा काटने के लिए है भाई, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल फ्रेंड मैंने सबके बारे में बताया कि टोटल 6 है हमारे पास कटिंग टूल। सबसे पहला प्लेन हो गया, प्लेन कार्बन हो गया, दूसरा हमारा लो एलॉय कार्बन टूल स्टील हो गया, फिर HSS हो गया, फिर सेरेमिक हो गया, और उसके बाद फिर डायमंड हुआ। तो फ्रेंड ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया, आप पढ़िए समझिए और करिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।